ज्वालामुखी मंदिर में प्राचीन भैरव मंदिर में भैरव अष्टमी के उपलक्ष्य पर विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। इस अवसर पर एसडीएम अंकुश शर्मा ने भैरव की विधिवत पूजा अर्चना की और भगवान का शुभ आशीर्वाद भी प्राप्त किया। इस अवसर पर उन्होंने मंदिर में हवन कुंड में हवन भी किया। मंदिर में सैकड़ों की संख्या में पहुंचे श्रद्धालुओं ने पहले भैरव मंदिर में अपना शीश नवाया और बाद में भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया। ज्वालामुखी मंदिर में प्राचीन भैरव मंदिर में भैरव अष्टमी के उपलक्ष्य पर विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। इस अवसर पर एसडीएम अंकुश शर्मा ने भैरव की विधिवत पूजा अर्चना की, भगवान का शुभ आशीर्वाद भी प्राप्त किया। इस अवसर पर उन्होंने मंदिर में हवन कुंड में हवन भी किया। मंदिर में सैकड़ों की संख्या में पहुंचे श्रद्धालुओं ने पहले भैरव मंदिर में अपना शीश नवाया और बाद में भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया। ज्वालाजी मंदिर के पुजारी अभिनेंद्र ने बताया कि ज्वाला माँ के पुत्र हनुमान और भैरव देवता है। ज्वालामुखी मंदिर में 1.5 किलोमीटर दूर जंगल में स्थित है। इस स्थल को कपिल स्थल के रूप में जाना जाता है। इस दिन भैरव की पूजा करने से भैरव में अपने सभी भक्तों की रक्षा करते हैं। भैरव अष्टमी है और हर वर्ष की तरह भैरव मंदिर में भंडारे का विशाल आयोजन भी किया जाता है। आज का दिन काल भैरव अष्टमी के रूप में मनाया जाता है। सभी पुजारी वर्ग और स्थानीय श्रद्धालु इस भंडारे में अपना भरपूर योगदान देते हैं। आज के दिन विभिन्न प्रकार के व्यंजनों के भोग भैरव को लगाते हैं और सभी भक्तों में भी वही भोग बांटा जाता है। इसके तहत सभी लोगों द्वारा मिलजुल कर ये भंडारे का आयोजन किया जाता है। इस अवसर पर उनके साथ राम स्वरूप शास्त्री, शैलेश शर्मा, सौरभ शर्मा व संदीप शर्मा, राहुल शर्मा आदि मौके पर मौजूद रहे। आज भैरव अष्टमी है और ज्वालामुखी में भैरव अष्टमी कैसी मनाई जा रही है? जय बाबा भैरवनाथ जी महाराज जी, माता ज्वाला माई के पुत्र हनुमान जी और पंडित जी महाराज वहाँ पंडित जी देखता है, उनका ज्वाला जी की भूमि है। मंदिर ज्वालामुखी के मुख्य मंदिर से 1.5 किलोमीटर ऊपर पहाड़ी पर आदि स्थान है, जिसको कपिल स्थल के रूप में जाना जाता है। ये बड़ा प्राचीन भैरव मंदिर है और इसका जीर्णोद्धार हो रहा है और इस मंदिर में आज के दिन समस्त पुजारी वर्ग की ओर से बाबा बामबड़ जी भैरव जी के निमित्त भंडारे का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हजारों की संख्या में ज्वालाओं के निवासी और भक्तजन वहां पर पहुंचकर बाबा जी का प्रसाद ग्रहण करेंगे। उनके जो आज जो दिन है वो काल भैरव अष्टमी के रूप में मनाया जाता है। ये साल में मार्गशीर्ष मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन भगवान बटुक जी की पूजा की जाती है और ये दिन भगवान बटुक जी की पूजा के निमित्त सभी रीति सिद्धियों को देने वाला है। मैं सभी भक्तों से प्रार्थना करूंगा कि बाबा जी के स्थान में पहुंचें और प्रसाद को ग्रहण कर पुण्य के भागी बने, और जो आज के दिन भगवान बटुक जी की पूजा करता है, भगवान भैरव जी उसकी हर जगह रक्षा करते हैं। तंत्रोक्त सिद्धियों के ज्ञाता भगवान बटुक जी, सभी भक्तों की मंगल कामना के लिए मैं भगवान बटुक से प्रार्थना करूंगा कि भगवान बाबा बटुक जी सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। ओम नमः श्री भैरवाय नमः। ओम नमः।